अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो काफ़ी अरसे बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो काम की मसरूफियत की वजह से मैं बर्ड्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। सेकेंडली, जब टाइम ना दिया जाए तो फिर आपको पता है प्रॉपर ब्रीड भी नहीं आ पाती। तो इस वजह से कुछ कामयाबी अपनी लेजीनेस की वजह से भी नहीं मिल रही है, और कुछ ऐसा है कि बस लक में नहीं है कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ पाए। एनीवेज, इस पेड़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारा जो है ज़ीब्रा डफ का रेड वाइट रम के साथ पेड़ किया गया हुआ प्रोजेक्ट था। काफ़ी कोशिशों के बावजूद, अंडे भी फर्टाइल हो जाने के बावजूद, इसमें से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। मतलब बच्चे तो निकलते थे, लेकिन इंतहाई वीक होते थे कि बच्चे बच नहीं पाते थे, या कुछ इस तरह का मामला होता था कि अंडों से बच्चे एक दो दिन रह जाते थे अंडों से बच्चे निकलने के, तो मेल जो है फोर्स करता था दोबारा से फीमेल को ब्रीडिंग के लिए, जिसकी वजह से फीमेल अंडों से उड़ जाती थी और वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते थे। इवन दो कि मैं उनको रिंगनेक डव के नीचे, सॉरी डायमंड डव के नीचे भी रखता था, तो नहीं बच पाते थे। शायद इतने कमज़ोर होते थे, या शायद वो पेरेंट्स इनको फीड नहीं करवाते थे। एनीवेज, मुझे फिर इनको एक हफ्ते का रेस्ट देना पड़ा। एक हफ्ता तो नहीं, मलबन 15 से 18 दिन का रेस्ट मैंने दिया इसको ओपन एवरी में, ताकि ये फीमेल में अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि नॉन स्टॉप लेइंग की वजह से भी ये फैक्टर आ सकता है कि चिक में इम्यूनिटी लो हो जाती हो। और उसके बाद जब मैंने दोबारा इस फीमेल को छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा से अंडे आए दो, लेकिन उनमें से एक फर्टाइल हो पाया और ठीक हैचलिंग से एक दो दिन पहले मैंने पेड़ को दोबारा मेट होते हुए देखा। तो मैंने यही कंसीडर किया कि शायद इस दफ़ा से दोबारा कामयाबी नहीं मिलने जा रही, फिर से फीमेल अंडों से उड़ जाएगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं एक्चुअल आप, एक अंडे से, जो एक ही अंडा फर्टाइल था, उसमें से हैचलिंग आ चुका है और माशाल्लाह से किसी भी रेचर के बहुत अच्छा फीड हुआ है वो बच्चा। बाकी आगे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, और आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत होगी कि हमें इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिले, क्योंकि बच्चे को माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा फीड करवाया है पेड़ ने। उम्मीद तो है ये बच्चा वाइट रम F1 बनेगा, और फिर हम लोग अपना वाइट रम ज़ेब्रा डव बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो सकेंगे आने वाले कुछ सालों में। बस ये बच्चे जो हैं मेल बन जाए, और अल्लाह करे ये फर्टाइल हो, और कामयाबी से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि कामयाब हो के सर्वाइव कर जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। सॉरी, माजरत है इन बहुत ज़्यादा शोर का, शायद आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही हो। तो बहरहाल बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों से अपनी एक्साइटमेंट शेयर किए बिना नहीं रह सका मैं। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे पेड़ को,
क्योंकि फिर ज़ीब्रा डव थोड़ी मूडी किस्म की डव होती है, ये ना हो कि वो दोबारा लेइंग करने के मूड में आ जाए। यहाँ पे हमने ज़ीब्रा डव का मेल इस्तेमाल किया हुआ है और वाइट रम जो रेड में है उसकी फीमेल है, ठीक है। तो ये थी अपडेट आज की, काफ़ी अरसे बाद जो कि कामयाबी मिली और मैं आप लोगों से शेयर किया। इससे पहले भी मिल रही थी लेकिन चिकनी सर्वाइव कर रहे थे तो मैं आप लोगों से इसकी अपडेट शेयर नहीं कर रहा था। तो इंशाल्लाह जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा, बस कामयाबी से ये मुकम्मल जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह जी। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।